हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपने हमारी इस वीडियो का पार्ट वन जरूर देखा होगा, जहां हमने RNAW का बैकग्राउंड आपको बताया। इस वीडियो में हम आगे की जर्नी आपको बताने वाले हैं। ये देश हमारा डरने वाला नहीं, तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय हथियारों का जवाब हथियारों। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हेमंत सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर IB एजेंट्स को कंट्री के बाहर भी रिक्रूट करा जाने लगा, ताकि IB एक्सटर्नल इंटेलिजेंस पर भी काम कर सके। पर कुछ सालों में ही कुछ ऐसा हुआ कि IB को कंट्री के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। इसके पीछे दो वॉर जुड़े थे, 1962 इंडो चाइना वॉर और दूसरा 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसमें IB की एक्सटर्नल विंग के इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अगर वहीं IB पहले ही इंटेलिजेंस इकट्ठा कर पाती तो शायद वॉर में हमें काफ़ी एडवांटेज मिलती, पर अपने फेलियर की वजह से IB का अल्टरनेट एजेंसी बनानी ही पड़ी। में इंदिरा गांधी के PM बनते ही रामेश्वर नाथ काओ के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी एजेंसी बनाने की डिमांड करी जो दूसरे देशों में हो रही एंटी इंडियन सिचुएशन को पहले ही भाप ले, ताकि 1962 और 65 जैसी सिचुएशन दोबारा ना बने। RN काओ इससे पहले PM नेहरू की सिक्योरिटी संभालते थे। आपको बता दें, RNAW का पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग DS जोशी ने सजेस्ट करा था। इसके बाद 21 सितंबर 1968 को RNAW बनाई जाती, जिसका इनिशियल बजट 2 करोड़ रुपए रखा गया। इसका हेडक्वार्टर लोधी रोड दिल्ली में बनाया गया। इसके बाद IB को इंडियन टेरिटरी के अंदर तक सीमित कर दिया गया। रॉ को खुद को सेटअप करने के लिए RN काओ ने काफ़ी मेहनत करी। उन्होंने कुछ ऐसे रूल भी बनाए जिन्हें फॉलो करना ही होता था, जैसे कोई भी स्पाई या रॉ एजेंट जो देश की टेरिटरी के बाहर रिक्रूट किया गया है, उसका नाम कहीं भी नहीं लिखा जा सकता। इनका नाम ना तो किसी रिपोर्ट ना किसी पेपर पर लिखा जाए। इनके नाम को या तो कोड वर्ड या फिर किसी सिंबल से याद करना होता था। शुरुआत में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो RNAW के सामने आया था, वो था कि अपने एजेंट्स को ट्रेन करके किसी भी तरह दूसरे देश में एजेंट्स को रिक्रूट करना, पर बिना किसी एजेंसी की नज़र में आए ऐसा करना काफ़ी मुश्किल था। इसके लिए काफ़ी अलग अलग तरह के तरीके अपनाए गए, जैसे फॉल जॉब्स के थ्रू दूसरे देशों में इंडियन एम्बेसीज के अंदर अपने एजेंट्स को प्लांट किया गया। फिर इन एजेंट्स ने जो भी इंफॉर्मेशन हासिल करी, उसे मॉर्स कोड के थ्रू एजेंसीज तक वापस अपने पहुंचाया जाता था। फिर उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करा जाता था। शुरुआत में इस एजेंसी का कैबिनेट से कोई डायरेक्ट फेस ना होने की वजह से बजट एलोकेशन, सिक्योरिटी जैसे बड़े फैसले लेने में काफ़ी इश्यूज आते थे। इसकी परमिशन लेने में उन्हें काफ़ी वक्त लगता था, जिसकी वजह से मिशन कई बार फेल भी हो जाते थे। पर आगे चलकर नेशनल सिक्योरिटी और RNAW की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इंदिरा गांधी ने RNAW के हेड को डायरेक्ट कैबिनेट का एक हिस्सा बना दिया। इससे RNAW का फैसला लेने में काफ़ी कम समय लगता था। RNAW के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एजेंट को एक ऐसा फॉर्म भरवाया जाता था, जिसमें एजेंट को डिक्लेयर करना होता था कि ना तो वो एजेंट और ना ही उसका कोई फैमिली मेम्बर RSS या किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। अब इसका क्या रीजन हो सकता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। RSS से अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने, लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर बने, पर किसी ने भी इस रूल को चेंज नहीं किया। अब इस रूल की इम्पोर्टेंस आप समझ चुके होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम RNAW एजेंट्स और पाकिस्तान में कैसे हमारे एजेंट्स ने अपने मिशन पूरे किए, इस पर चर्चा करेंगे। हमारी वीडियो के पार्ट 1 को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद।